नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने पिंकी ढिलोन। आप देख रहे हैं स्टार सवेरा न्यूज चैनल। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि संत रामानंद जी जन्मोत्सव प्रोग्राम काफी लंबा होने के कारण हमें कई वीडियोस बनानी पड़ी, उसी कड़ी में आज हम ये नई वीडियो लेकर आए हैं। इसमें आप सुनेंगे एक युवा प्रोफेसर डॉक्टर मनोज दहिया को। उन्हें सुनने के बाद आपको महसूस होगा कि इस युवा प्रोफेसर में समाज की कमजोरियों के प्रति कितना आक्रोश है। हमें इसे सीखना चाहिए कि कैसे इस जहां में हम अपनी पहचान बनाएं। कौम के अमर शहीद संत रामानंद महाराज जी, जिन्होंने कौम को एक नई दिशा दिखाई और स्वतंत्र विचार क्या होता है वो स्थापित किया। 2009 में ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया यूरोप में एक देश है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जो गुरु रविदास मंदिर है वहाँ वो समाज को जगाने का कार्य कर रहे थे। तो कुछ ज्वाति देश से भरे और असामाजिक तत्वों ने उन पर हमला कर दिया। 25 मई 2009 को वो इस धरती से विदा हो गए, पर उन्होंने दिखाया कि कौम के लिए शहीद होना और शहीद होकर अमर हो जाना क्या है। मैं उनको शत शत नमन करता हूँ। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं श्रीमान जीएस चौहान साहब, सह सचिव हैं यूजीसी में और हमेशा मुझे भी व्यक्तिगत तौर पे गाइड करते रहते हैं, हौसला बढ़ाते रहते हैं कि मेहनत करो, आगे बढ़ो, खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। उनको सुनना हमारे लिए गर्व की बात होगी। इस प्रोग्राम के आयोजक चेयरमैन साहब डॉक्टर एम आर निम्बल जी, जिन्होंने आज का जो विषय रखा है राष्ट्रीय शिक्षा क्रांति सम्मेलन, ये मैं उनको विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगा। और अपने कॉलेज का उन्होंने नाम संत रामानंद महाराज पे रखा है। जिस दिन मैंने ये सुना था, संतगढ़ में एक बहुत भव्य मंदिर है हमारा, पहली बार मैंने उनको वहाँ सुना था, तो वहाँ जब पता चला ये नाम रखा है मैं भाव विहोर हो गया था। उनको भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अभी हमारे आदरणीय संत वीर सिंह इतकारी जी प्रवचन देके गए, उनका भी मैं वंदन करता हूँ। और सम्मानित अतिथिगणी में आजकल जो एमएल महेश जी हैं, टिंकू कुमार जी, गीता भोरिया जी, सतनाम सिंह जी, भगवान दास जी, हंसराज सुमन सर, अशोक भारती सर, इन सब का मैं आभार प्रकट करता हूँ। सह आयोजक हैं श्री एफ सी मल साहब, ये मुझे पंजाब लेके गए थे और पंजाब में पठानकोट में बहुत बड़ा, बहुत भव्य, शानदार डेरा है गुरदीप गिरी महाराज जी का। वो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मैं अनपढ़ रह गया लेकिन हमारे बच्चे अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, ऐसे महापुरुषों के उन्होंने दर्शन कराए, उनका आभार। रोनी से हमारे बीच रमेश चंद्र राठी साहब हैं, जगदीश चंद्र सिंगल साहब पधारे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इस परामर्श मंडल में अनेक ऐसे नाम हैं जिनके नाम मेरी पीएचडी में दर्ज हैं। दुष्यंत सर हैं, बाली साहब हैं, अभी अवतार सिंह भाटिया साहब आए हैं। इन लोगों ने बहुत मदद की जब मैं पीएचडी कर रहा था, तो इन सब का नाम मैंने मेरी पीएचडी में दर्ज किया है। तो मैं सबको यहाँ जो सभागार में बैठे हैं उनको मेरी तरफ से नमन करता हूँ। और एक बार मैं उन सभी का वंदन करता हूँ जो विभिन्न जातियों में पैदा हुए, विभिन्न धर्मों में पैदा हुए,
लेकिन उन्होंने समाज में समानता, बंधुता, स्वतंत्रता, न्याय स्थापित करने के लिए संघर्ष किया, बलिदान दिए, कुर्बानियां दी। आज का जो विषय है, शिक्षा का विषय है, तो और जो हमारे गुरु महाराज हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, इन सब का आशीर्वाद रहा। और पीडीएफ के बाद पीएचडी के बाद एक कोर्स होता है पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, यानी पूरी अपने देश के जो पीएचडी कर चुके हैं वो लोग अप्लाई करते हैं, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड सिलेक्शन होता है। तो उसमें मेरा अभी आईसीएसएसआर के तहत पीएचडी के बाद जो हमारा पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप है, यानी कि पीएचडी से भी वो एक बड़ा कोर्स है, तो उसमें भी मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया ऑल इंडिया में। और साथियों, गर्व की बात क्या है, उसमें फिर वही बात, जब हम टॉपिक लेने जाते हैं, जब विषय लेने जाते हैं, क्या किस पे हम अपना समय लगाएं। मैं सोचता हूं हमारी जिंदगी क्षण भंगुर है, हम सभी की, तो हम जितना हो सके ना हम जिंदगी का सदुपयोग करें और इस जिंदगी को हमारे महापुरुषों के, हमारे परिवारों के, हमारे समाज के लिए कुर्बान करें। तो जो मुझे पीडीएफ करने का मौका मिलने जा रहा है, मैंने इसमें जो विषय लिया साथियों, वो रविदासिया धर्म का सामाजिक और दार्शनिक अध्ययन है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये दुनिया का पहला पीडीएफ में रविदासिया धर्म पे काम होने जा रहा है। तो आपका आशीर्वाद हमेशा साथ रहे, उसकी हम आभारी रहेंगे। केपी मौर्य साहब भी बैठे हैं, इनका नाम भी पीएचडी में है, मैंने अभी ध्यान दिया, और भी बहुत से सर आ गए हैं। आप, मैं चाहता हूं आप सब लोग एक बार कम से कम देखिए आप लोगों का नाम किस किस का है, तो कम से कम वो देखिए। साथियों, सतगुरु रविदास महाराज जी ने कहा, माधो अविद्या अहित कीन विवेक दीप मलिन, यानी माधो संदेश देते हैं कि जो अविद्या है, यानी जो शिक्षा नहीं लेते हैं लोग, उनके कुल के दीपक, उनका मस्तिष्क भी खराब हो जाए, उनका कुल बर्बाद हो जाता है। फिर आगे कहते हैं, सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या नर को जान अजान। सत विद्या, ठीक है, एजुकेशन बहुत तरह की है, आपके पास इंटरनेट है, यूट्यूब उपलब्ध है, आप कुछ भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पर वो क्या कहते हैं, सत विद्या, अच्छी, अच्छा ज्ञान आप अर्जित करें। तो जो राइट एजुकेशन है, प्रॉपर एजुकेशन है बच्चों, वो बेहद जरूरी है, गलत शिक्षा नहीं। अब शिक्षा तो वो भी है, एक कोई चोर डाकू है, वो भी अपने किसी उस्ताद को आशीर्वाद लेके जाता है, हाँ भी कुछ आज गलत काम करें, तो वो शिक्षा में नहीं लेनी। ये हमारे सदगुरु जी ने पहले बता दिया। और बाबा साहब शिक्षा के इसी स्तर को बढ़ाते हुए कहते हैं, जब समाज की अगुवाई कौन करेगा, समाज की अगुवाई कौन करेगा, तो बाबा साहब कहते हैं कि वो बुद्धिजीवी करेगा, वो बुद्धिजीवी करेगा जो समाज के लिए सोचता है। साथियों, कोई अरबपति नहीं, कोई बहुत बड़ा व्यापारी नहीं जिसका प्रभाव है, जिसका नाम है, MP MLA नहीं, बाबा साहब खुद ये बात कहते हैं। और निम्बल साहब ने जो बाबा साहब के सपने हैं, जो सतगुरु रविदास महाराज का संदेश है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो संदेश है, उसको प्रमाणित करके दिखाया है दिल्ली जैसे राज्य में, देश की राजधानी जो कि दिल है, उसमें शिक्षा के संस्थान खड़े करके दिखाए, पश्चिमी दिल्ली PD मॉडल स्कूल। और अभी इन्होंने जो मध्य प्रदेश में संत रामानंद जी के महाराज पे किया, तो मैं बार बार कहूंगा ये इन्होंने कमाल किया, वंडरफुल। साथियों, ये शिक्षा जो है, शिक्षा का हम सम्मान जब करने लग जाएंगे, तो निस्संदेह हम राजसी गुणों में शामिल हो जाएंगे। मैं कहना क्या चाहता हूं, जैसे आप किसी से बात करें तो ये कहेंगे भाई RSS इस देश पे राज कर रही है, RSS राजनीति चला रही है, RSS धर्म चला रही है, तो इसका मतलब RSS तो काबिल है जो इतना सब कंट्रोल कर ले रही है। तो हमारा अगला प्रश्न होना चाहिए कि भाई RSS है क्या, हमें इसे मिलाओ, दिखाओ, बात कराओ, सक्सेसफुल मॉडल है तो देखेंगे, हम भी कुछ सीखने लायक हुआ सीखेंगे, वो क्या है, तो वो जानना बेहद जरूरी है। साथियों,
वो आरएसएस कुछ विशेष बुद्धिजीवियों का समूह है, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, मनन करते हैं, अच्छी बातों को निकाल के अपने राजनेताओं को देते हैं, तो राजनेता उसको मानते हैं और गहराई से चिंतन करते हैं। बच्चों एक बार जरा ध्यान से सुन लो, इधर सारे बच्चों, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, तो मास्टर वाले उस माहौल में मत लाओ, ये पॉजिटिवली आप ज्ञान लीजिए। तो आरएसएस के कुछ बुद्धिजीवी चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और उस चीज को फिर राजनेताओं को देते हैं, उस चीज को राजनेता मानते हैं चाहे उनका उससे विरोध हो। अब सोच तो राजनेता भी सकते हैं, ठीक है, सोच सकते हैं वो, पर वो कितनी दूर तक सोच सकते हैं, वो गड़बड़ हो सकती है। तो दूर तक जो सोच सकता है वही बुद्धिजीवी है, जो कई हजार साल तक सोच सकता है। इसीलिए हो सकता है वर्तमान में वो आपको आइडिया अच्छा ना लगे, लेकिन बुद्धिजीवी जो आइडिया देगा वो उनके राजनेता मानते हैं। दूसरी बात, वो जब चिंतन मनन करके आइडिया देते हैं तो वो संत महात्माओं को भी आइडिया देते हैं। कभी आप ऐसी पूजा पद्धति कीजिए, आप ऐसे वस्त्रों को बढ़ाइए, ऐसे रंग को बढ़ाइए, इस भगवान का निर्माण कीजिए, और उनके संत महात्मा भी अपने बुद्धिजीवियों के आइडियाज को सहज स्वीकारते हैं और तुरंत प्रभाव से वैसा ही कार्य करते हैं। ये है उनकी समझ। विरोध होने के बावजूद भी वो सोचते हैं कि भाई सोचने का काम इनका है, अच्छाई बुराई इन्होंने सोच ली होगी और वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, और परिणाम क्या होता है साथियों, परिणाम होती है सफलता। जब बुद्धिजीवी का आइडिया कोई फॉलो करेगा तो उस पे लागू कोई करेगा तो वो सफल मॉडल पेश करेगा, वो सफल होगा। और आरएसएस साथियों सफल है, सिर्फ आलोचना करने से ही काम नहीं चलेगा। आप सफल मॉडल देश दुनिया के जितने हैं उनको देखिए, उनको समझिए, उनकी जड़ में क्या है, उनकी जड़ में है शिक्षा। जो राष्ट्रीय शिक्षा क्रांति सम्मेलन आज कर रहे हैं डॉक्टर निर्मल साहब, ये है जड़। जड़ों पे पानी डालिए आप, जड़ों में खाद पानी डालिए आप जड़ों पे डालेंगे ना, प्रभाव पत्तियों में, फूलों में, टहनियों पे, डालियों में दिखेगा। सामान्य व्यक्ति उन डालियों फूलों को देख के व्याख्या करता है, कई बार अच्छा कर सकता है, कई बार बुरा कर सकता है, लेकिन वो उन जड़ों को नहीं देख पाता जो जमीन के नीचे से उसको ऊर्जा ताकत दे रही है। वही है शिक्षा जिसके लिए आज ये काम कर रहे हैं, और हमें जिस भी रूप में इनका सहयोग कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और मैंने ये लिया इनके साथ, बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी हुई बातें हैं इसमें, तो इनको पढ़िए और इनसे जुड़िए। जो भी साथियों शिक्षा का काम कर रहे हैं उनको हमें सम्मान देना चाहिए। बहुत आसान हो जाता है किसी की आलोचना करना, बहुत आसान हो जाता है किसी के कार्य में कमी निकालना, लेकिन नहीं साथियों, उसको बंद कर दें। जो हमारे साथी कर रहे हैं उसको बढ़ाइए, उसको बढ़ाइए। तो साथियों शिक्षा को मैं ये कहता हूं, दिल्ली में कम से कम जो बच्चे हैं आप लोग, मैं कॉलेज में भी बोलता हूं कई बार, आप ये बताओ अब आपको पढ़ने से कौन रोक रहा है? कोई सामंत, कोई गुंडे, कोई व्यवस्था? नहीं, अब तो कोई पिस्तौल आपके यहां नहीं रखा, लगा रखी कि मत पढ़िए आप। तो क्यों नहीं पढ़ लेते हैं आप? इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, जो भी सब्जेक्ट है आपका इतना पढ़िए कि आप उसमें शीर्ष पर जाए, टॉप पर जाए, बुलंदियों को छुए साथी। लेकिन मैं देखता हूं अगर हम पांचवीं छठी शताब्दी की बात करें, तब से बुरा समय था, फिर संविधान के बाद मुख्य रूप में पढ़ने का जो मौका मिला, तो इतनी प्यास होनी चाहिए ना, इतनी प्यास होनी चाहिए कि दिन रात पढ़े सारे, लेकिन नहीं हो रहा है। आप अपने घरों में देखिए कि किस तरह से हमारे बच्चे पढ़ाई के प्रति वो नजरिया उत्पन्न नहीं कर पा रहे,
क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? अरे सदियों के बाद अगर पढ़ने का मौका मिला तो भूख इतनी होनी चाहिए, प्यास इतनी होनी चाहिए कि पढ़ डालो सब कुछ। और जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको पढ़ाई की वैल्यू समझ में आएगी, उसकी कीमत समझ में आएगी। और हमारे बच्चे ही नहीं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी पढ़े। मैंने साथियों ये देखा है कि तथाकथित सुवर्ण समाज के जो बुजुर्ग हैं उनकी लॉन्जिटिविटी यानी कि जीवन प्रत्याशा यानी कि उनके कितनी उम्र वो जीते हैं वो ज्यादा है बनिस्पत के एज कंपेयर इन कंपैरिजन टू लाइव्स ऑफ दलित एंड आदिवासी एंड बैकवर्ड क्लासेस। कहने का भाव क्या है? वो जन लंबे जिंदा रह रहे हैं। क्यों? वो सेहत का ख्याल रख रहे हैं, वो माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोग भी पढ़िए। और जो रिटायरमेंट के बाद लोग आ गए हैं, मैं कहता हूं हमारे सबसे टॉर्च बेरर जो अग्रसर जो आगे चल सकते हैं जो हम सबको ताकत दे सकते हैं वो जो रिटायरमेंट के बाद लोग हैं वो है, उनको मानता हूं, उनसे बड़ी उम्मीद है मेरी। मैं ये चाहता हूं आने वाले भविष्य में जो रिटायर कर चुके हैं लोग इनका एक बड़ा समूह बनाया जाए और इनकी जो एक्सपर्टीज है जो इनका स्पेशलाइजेशन है जो इन जो विषय में ये पारंगत हैं उनसे हम सीखें, उनसे हम सीखें। इससे होगा क्या? हमारा समय बच जाएगा। उन्होंने 30-30-40 साल बड़े बड़े पदों पे काम किया है, उनको अगर हम सीखेंगे तो हमारे 30-40 साल बच जाएंगे। 10-10 साल की बातें वो हम एक साल में सिखा सकते हैं, 3 साल में 30 साल बचा देंगे हमारे, 4 साल में 40 साल। उनको इग्नोर किया जा रहा है। मेरी ये समझ है कि उनको हम इनकॉर्पोरेट करें, उनको शामिल करें और उनकी बुद्धि जीविता का हम सहारा लें, मार्गदर्शन लें और उसमें हम अपनी ऊर्जा को झोंकें। तो मुझे लगता है हमारे जो सीनियर साथी हैं उनकी गाइडेंस, हमारे नौजवान साथी हैं उनकी ऊर्जा, अगर ये मिलेगा तो एक डेडली एक बहुत लेथल कॉम्बिनेशन, जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनेगा। तो साथियों जहां भी आप जाते हैं ये संदेश दें कि शिक्षा शिक्षा पे फोकस कीजिए। अच्छा शिक्षा के यहाँ कई आयाम हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि बच्चों ABCD पढ़ रहे हो वही शिक्षा है, वो तो है ही है। आप फ्रेंच पढ़िए, आप जर्मन पढ़िए, यूट्यूब पे कुछ सीखिए, टेक्नोलॉजी सीखिए, साइंस सीखिए, लिटरेचर सीखिए, हर एक फील्ड हर एक विधा ही शिक्षा है। आप किसी भी चीज़ के एक्सपर्ट बनिए, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सब शिक्षा है। अपने फील्ड में टॉप पे जाइए। एक एडम स्मिथ हुए हैं जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, 1774 में वेल्थ ऑफ नेशंस बुक लिखी, उन्होंने उसमें एक सिद्धांत दिया डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है साथियों? कि काम का हम बंटवारा कर लें, काम का बंटवारा कर लें। जैसे ये मान लो मोबाइल बनाना है तो मोबाइल के अलग अलग पुर्जे अलग अलग फैक्ट्री में बने और उनको असेंबल कर दे जल्दी बन जाए, जबकि एक ही व्यक्ति सारा मोबाइल बनाने की कोशिश करेगा तो उसमें बहुत समय लग जाएगा और हो सकता है उतना उम्दा ना हो। तो प्रोडक्टिविटी यानी कि प्रोडक्शन हमारा, उसकी उत्पादकता दर और जो आउटपुट है, ये दोनों को ध्यान में रखते हुए डिविजन ऑफ लेबर। तो वही मैं कहना चाहता हूं यहां, हम डिविजन ऑफ लेबर को हमारे समाज में कैसे समझ सकते हैं? साथियों यहां भी हम अपने काम बांट लें। जैसे हमारे निम्बल साहब ने ये संस्थाएं बना दी हैं, गौरवमय संस्थाएं बना दी हैं, ऐसे लोग इसी फील्ड में रहें और बड़ी बनाए और हम सब मिलके इसमें जो भी सहयोग कर सकते हैं वो करें। साथियों जो अच्छे गायक हैं वो पूरी उम्र बेहतरीन उम्दा गाने गाएं, रागों की उस ऊंचाई को छुएं। हमारे सदगुरु रविदास महाराज ने 27 रागों में रचना कर दी है, ये रिसर्च आ चुकी है, डॉक्टर संदीप कुमार शिक्षार्थी हैं, उन्होंने PhD की है। मतलब वो वाणी ऐसे नहीं बोलते थे, वो रचना करते थे रागों में। मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत पढ़े लिखे थे। अब आप ये पूछें किस तरह से पढ़े लिखे? भाई एक तो ये आज स्कूल में चला गया, एक ये तो विधिवत शिक्षा। पर साथियों जो अमीर आदमी है, जो पैसे वाला आदमी है, उसके तो घर पे होम ट्यूटर्स आते हैं। तो उस वक्त
सतगुरु रविदास महाराज, ये भी मैं बताना चाहता हूँ, उस वक्त के अरबपति थे। ये रिसर्च है साथियों मेरे, अरबपति। आप ये सोचिए, वो हर दिन प्रतिदिन एक जोड़ी जूता दे देते थे। साथियों, कौन एक गरीब मोची प्रतिदिन एक जोड़ी जूता किसी को दान दे देगा। उन्होंने लंगर के लिए 2 मंजिला इमारत बनवाई थी। ये इतिहास के तथ्य जो मैंने खोज के निकाला। तो अरबपति आदमी थे, तो उन्होंने सारे शिक्षा, उनके घर आते थे, सारी भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने जो अपनी वाणी लिखी ना साथियों, तभी तो वो कहते हैं सत्य विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या नर को जान जान। क्योंकि शिक्षा उन्होंने खुद प्राप्त करी, उन्होंने उसकी महत्ता देखी। शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद किस तरह से पूरे समाज में उनकी आभा फैल गई। तो वो रचनाएं करते हैं रागों में। अब राग क्या है साथियों, वो संगीत का एक नियमबद्ध है। वो मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई अनपढ़ व्यक्ति एक एक राग में लिख के दिखा दे जरा, नहीं लिख सकता। और अगर आप दूसरी फील्ड में महारत हासिल है, नहीं लिख सकते। यानी कि उसकी विधिवत आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी। हाँ, ये कह सकते हैं भाई, वैसे स्कूलों के सर्टिफिकेट थे क्या जो आजकल हमें स्कूल से या यूनिवर्सिटी से मिलते हैं, तो वो शायद उस रूप में नहीं रहे, लेकिन ज्ञान उन्हें था, अक्षर ज्ञान, पढ़े लिखे थे साथियों। तो कोई भी कहता वन पढ़ थे, ऐसा नहीं। ये जो आज शिक्षा की बातें कर रहे हैं निम्बल साहब, इनको पूर्वजों से वो ज्ञान मिल गया, तो ये कमाल कर रहे हैं। हमारे पूर्वज साथियों, आप देखेंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की रिसर्च है, वॉल्यूम्स में दिया है कि वॉल्यूम वो तब लिख रहे जब संविधान लागू नहीं हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 से पहले बातें बन। तो उसमें बता रहे हैं कि जो अंग्रेज की, अंग्रेजों की सेना में जो लोग काम करते थे, वो खुद भी पढ़ लिख गए थे, और उनकी 90% तक उनकी बीवियां पढ़ लिख गई थी। साथियों, 1774 के आसपास दत्त सिंह पंजाब से एक बड़े प्रोफेसर हो चुके थे। शिक्षा, शिक्षा हमारे साथ चली है, लेकिन क्या हो जाता है, कई बार बुरा जब समय आ जाता है ना, तो सब चीजें छूट जाती हैं। अच्छा घर छूट गया, अच्छी नौकरी छूट गई, गरीब हो गए, तो गरीब के बच्चे और गरीब, और बच्चे और गरीब, और गरीब, तो उनको लगेगा कि हमारे तो हमेशा से अनपढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है साथियों। बुरा व्यक्त क्या है, सूरत बदल देता है। एक रिक्शा वाला, आप उनको ऑफिस में बैठा दीजिए, अच्छा खाना पीना खिलाइए, 6 महीने बाद देखिए उनके चेहरे की रौनक। ऐसे ही एक ऑफिसर को आप धूप में काम करने के लिए छोड़ दीजिए, 1 साल में उनकी शक्ल ऐसी बदल जाएगी, या खेतों में काम करने, तो ये थोड़े से समय में ही जो बाहरी आवरण बदल जाता है, और इसी से मूल्यांकन करते हैं भाई ये तो हम ऐसे ही रहेंगे। नहीं साथियों, तो मैं आज विशेष रूप से डॉक्टर MR निम्बल साहब का, कि जिन्होंने क्रांति की ज्योत जला दी इतनी शानदार दिल्ली में, हम उसको बढ़ा दें। और मैं पंजाब में गया था रिसर्च के दौरान, तो गुरु महाराज के जितने मंदिर थे, धर्म स्थान थे, सब अपने स्कूल और कॉलेज बना रहे थे। मतलब आप सोचिए, सतगुरु रविदास के जो धर्म स्थान हैं, वहाँ स्कूल बनाए जा रहे हैं साथ साथ, वहाँ यूनिवर्सिटीज बनाई जा रही हैं। मैं खुद विजिट की, बहुत आलीशान शानदार। और मल साहब का तो मैंने बताया, मुझे FC मल सर लेके गए थे। तो इतनी साथियों जरूरत है उनको एक जगह कंपाइल करने की। तो मैं निम्बल साहब आपसे गुजारिश करूँगा कि जितनी भी हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बने हैं ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में, उनको एक जगह से वेबसाइट पे अगर कंपाइल कर दें तो लोग देखें, तो उनका तो वैसे ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये कंपाइलेशन का काम मुझे लगता है, अब तो पासवान सर भी आ गए हैं और गंभीर साहब, चौहान साहब हमारा आशीर्वाद है, तो शायद ये हम करेंगे। अगर वो कहेंगे तो हम लोग भी सहयोग करेंगे, हाजिर हैं। साथियों, हमारे मैं सभी से गुजारिश करूंगा, अंतिम बात कह रहा हूं, जब आप सोने जाते हैं तो कुछ लाइनें, किताब, कुछ पेज जरूर पढ़िए, उसका एक एक हमारे माइंड पे पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है, पॉजिटिविटी रहती है, हम हेल्दी ज़्यादा रहेंगे, हमारी उम्र ज़्यादा रहेगी, हम सकारात्मक सोचेंगे। नकारात्मक सोचना बंद कर दो साथियों, आलोचना भी बंद कर दें। जो भी काम कर रहा है ना, अगर 1% भी कर रहा है, उस 1% के लिए उसे सल्यूट करें। ठीक है वो 100% नहीं कर पा रहा, परिस्थितियाँ हैं, कोई बात नहीं,
जो 1% भी कर रहा है 10-20 उसको हम उसी रूप में सैल्यूट करें। और निर्मल साहब ने काम किया उनके लिए विशेष आभार, आप सब लोग यहाँ आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं चीजों के साथ मैं भी साथियों अपनी जिम्मेदारी पढ़ाई में शिक्षा में पूरी करूंगा और हमारे पूर्वजों को लजाएंगे नहीं, हम उनका सीना उन पर गर्व ही करेंगे, इतना अच्छा हम काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय गुरुदेव। सर रामानंद जयंती थी आज, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? रामानंद जयंती जो आप कह रहे हैं, संत रामानंद हमारे सतगुरु हैं, उनकी जयंती कल है, पर उसको चूंकि आज मनाया जा रहा है, आज ये प्रोग्राम रखा था और डॉक्टर निम्बल ने बड़ी हमारी शैक्षणिक संस्थाएँ स्थापित की हैं तो उसी में इनको सेलिब्रेट कर रहे थे। और वो भी अपनी जो संत हमारे रामानंद महाराज हैं जो 2009 में शहीद हुए कौम के लिए, और उन्होंने पूरे समाज को जागृत किया, वीर और बहादुर उन्होंने समाज को बनाया, संगठित किया, पूरे देश दुनिया में जा जा के गुरु रविदास मंदिरों को जोड़ा, लोगों को उससे जोड़ा और समाज को एक ताकतवर कौम के रूप में परिवर्तित किया। तो उन्होंने जो शहादत दी कौम के लिए उसी के सम्मान में जैसे इनका जो कॉलेज है उसका नाम रखा गया, और आज मैं भी इस प्रोग्राम में एक वक्ता रहा, सम्मानित हुए। तो हम भी अपने जीवन में संत रामानंद जी की तरह ही कुछ करना चाहते हैं कि जिससे हमें भी जब हम लगे कि उम्र बीत गई है, सांझ आ गई है, तो हमें महसूस हो कि हमने कुछ किया। तो हाँ, तो उसी भाव से हम लगे हुए हैं। तो आप मीडिया का बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग आए क्योंकि आप लोग ही इसको प्रचार प्रसारित करोगे। और डॉक्टर निम्बल साहब सर जैसे जो महापुरुष हैं, इनका तो क्या जितना कहा जाए उतना कम है, जिन्होंने दिल्ली देश की राजधानी में एक बड़ा पीडी मॉडल स्कूल बनाया, फिर मध्य प्रदेश में जाके संत रामानंद महाराज के नाम से। तो हमें ऐसे को सैल्यूट करते हैं और ऐसे काम को हम बढ़ाने में हर तरह का सहयोग देंगे। नाम तेरो आरती मजन मोरा रे, हरि के नाम बिन जूते सगल पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो योरसा, नाम तेरा केसरो ले चटकारे। नाम तेरा अम्बोला नाम तेरो चंदनो, कस जपे नाम ले तुझ ही को चारे। नाम तेरा जीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माही पासारे। नाम तेरे की जोत लगाई, भयो योजारो बावन संग लारे। नाम तेरो धागा नाम फूल माला, बार अठारा सगल जुठारे। तेरो किया तुझ किया यार को, नाम तेरा तू ही चवर डोलारे। दस अठ अठ सठे चारे खानी, सारे कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हरि भोग तुहारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हरि भोग तुहारे। नाम तेरो आरती मजन मोरा, नाम तेरो आरती मजन मोरारे, हरि के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हरि के नाम बिन झूठे सगल पसारे, हरि के नाम बिन झूठे सगल पसारे। उम्मीद है आपको इस युवा प्रोफेसर के विचार अच्छे लगे होंगे। आने वाली वीडियो में देखेंगे यूजीसी में सह सचिव श्री जीएस चौहान को। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, बाकी की और न्यूज अपडेट्स के लिए
जुड़े रहिए हमारे स्टार सेवेरा न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।